बिहारी के दोहे, आइए आपको कुछ दोहे और उनके भावार्थ इस स्लाइड के द्वारा बताते हैं। आइए जानते हैं कवि का परिचय। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव राय था। उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में बीती। बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है, जिसमें 700 दोहों का संकलन है। यह एक मुक्त काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। उनके दोहे गागर में सागर माने जाते हैं। आइए उनके कुछ दोहे और उनके भावार्थ को समझें। सबसे पहले जो दोहा यहां मैं पढ़ रही हूं वह है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बिहारी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है, पीले वस्त्र पहने श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। दूसरा दोहा, कहलाने एकत पसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो दीरक दाग निदाग। भावार्थ, ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी ने इस संसार को जैसे तपोवन बना दिया है। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे के शत्रु सांप और मोर, हिरण और सिंह साथ साथ रहने लगे हैं। विपत्ति की इस घड़ी में सभी द्वेषों को भुलाकर जानवर भी तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहनों हंसे देन कहे नटी जाए। भावार्थ, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उनकी बांसुरी को छुपा दिया है। ये बोहों से संकेत कर मुरली ना चुराने की कसमें खाती हैं। वे श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार करती हैं। अगला दोहा, कहत नटत रीजत खीचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु ही सब बात। भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बिहारी ने दो प्रेमी जो कि लोगों के बीच बैठे हुए हैं, उनके बीच होते हुए भी वे किस प्रकार अपने प्रेम को जताते हैं, इसका वर्णन किया है। भरे भवन में नायक अपनी आंखों के संकेत से नायिका से मिलने को कहता है, जिसे नायिका अस्वीकार कर देती है। उसके मना करने के इशारे पर नायक मोहित हो जाता है, जिससे नायिका खींच जाती है। बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं। नायिका शर्मा उठती है। ये सारी बातें वे दोनों सबके बीच में होते हुए भी आंखों ही आंखों में कर रहे हैं। बैठी रही अति सघन बन बैठ सदन तन माह, देखी दुपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। भावार्थ, इन पंक्तियों में बिहारी ने जेठ मास की दुपहरी का चित्रण किया है।
इस समय धूप इतनी अधिक होती है कि आराम करने के लिए कहीं छाया भी नहीं मिलती। ऐसा प्रतीत होता है मानो छाया भी छांव को ढूंढने चली गई हो। गर्मी से बचकर विश्राम करने के लिए वह भी अपने घने भवन में चली गई है। कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, कही है सबु तेरो हियो मेरे ही अके बात। भावार्थ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में बिहारी उस नायिका की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं जिसका प्रियतम उससे दूर है। नायिका कहती है कि वह कागज पर अपना संदेश नहीं लिख पा रही, किसी संदेश वाहक के द्वारा संदेश नहीं भिजवा सकती क्योंकि उसे कहने में लज्जा आ रही है। इसलिए वह कहती है कि अब तुम ही अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो कि मेरे हृदय में क्या है। प्रकट भये द्विराज कुल सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कले सब केसव केसव राय। इन पंक्तियों में बिहारी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए और अपनी इच्छा से ब्रज आए, आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे सभी कष्टों को दूर करें। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हाथ में जब माला थाम तिलक लगाकर आडंबर करने से कोई काम नहीं होता, मन कांच की तरह क्षणभंगुर होता है जो व्यर्थ में नाचता रहता है। इन सब दिखावे को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तभी काम बनता है। धन्यवाद।